के साथ निकालना सिखाऊंगा डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन। सपोज डेट एक्स यानी कि जो मार्क्स हैं वो क्या हैं, ऐसे बोल सकते हैं। वेट, क्लास के 5 बच्चों का वेट किया, उनका वेट क्या निकला। जैसे क्लास में 5 गर्ल्स की, उनका वेट किया, तो मान लीजिए 6 क्लास की क्लास है, ठीक है। एक लड़की का वजन था 25 kg, एक का 30, एक थोड़ी सी और बेचारी पतली सी 20, एक का वेट एक मोटी सी रसगुल्ला 40, और एक ठीक ठीक सी कितना हुआ 30। तो ये 5 लड़कियों का क्या है? वेट है। तो आप इसका एवरेज वेट बताइए, तो उसे बोलते हैं एवरेज। वही 25, 30, 20, 40, 30 अपॉन 5 छोड़ दीजिए, 40, 30, 70 3100 145 अपॉन 5 × 10 5 × 45। तो मीन कितना आया बेटा? 29। वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। लेकिन अब क्वेश्चन इसके आगे भी है, वो आपसे क्या कहता है? डेविएशन बताओ। तो डेविएशन कैसे निकलता है? जो ये x है, आप इस x को लिखिए, कितना दिया x? 25, 30, 30, हाँ 40 और 30। क्लियर बेटी? x में से x बार को माइनस कीजिए, ये जो निकल के आया है क्या था? एवरेज। हाँ, बार यानी x बार, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा, अच्छा 25 में से 29 गए, तो आप ऐसे लिखना, 25 में से क्या गए? 29। 30 में से 29 गए, 20 में से 29 गए, 40 में से 29 गए, 30 में से 29। अब बताओ डेविएशन क्या आया? 25 में से 29 गए माइनस के, 30 में से 29 गया, 20 में से 29, मेरी बात समझ आ रही है? 40 में से 29 11, 30 में से 29 1। अब माइनस वालों को जोड़ दो, माइनस 4 और माइनस 9 माइनस के 13, प्लस वालों को जोड़ो, कितना आया? अच्छा, तो हमेशा डेविएशन आएगा जीरो। अच्छा, तो इसी वजह से मैंने प्रूफ करके दिखाया कि एक्स में से यदि एक्स पर माइनस करें तो जीरो आएगा, तो हमेशा डेविएशन क्या होगा? जीरो। लॉजिक समझ आ गया?